पालघर जिले के तारापुर में एक ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बोईसर तारापुर MIDC में D70 वगेरिया इंडस्ट्री कंपनी में गामा एसिड अमोनिया बनाते समय शाम के वक्त रिएक्टर ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों के नाम पंकज यादव और सिकंदर हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 12 अन्य मजदूर घायल हैं। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने राहत बचाव कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है।